हैप्पी किड्स क्लिनिक बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र डॉक्टर रोहित जैन मानस भवन के पास दमोह। प्यासी ज्वेलर्स शोरूम सभी प्रकार के सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। पता टंडन बिल्डिंग सराफा बाजार दमोह। कांग्रेस की युवा विंग NSUI के सदस्य आज जूता पॉलिश करते नजर आए। दरअसल NSUI द्वारा केंद्र की मोदी सरकार एवं प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। NSUI पदाधिकारियों का कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा हर वर्ष 3 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, जो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। वहीं प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन शिवराज सरकार भी अपने वादे से मुकर गई, जिसको लेकर आज भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय टंडन के निवास के बाहर बैठे NSUI कार्यकर्ताओं ने जहां आने जाने वालों के जूते पॉलिश किए, वहीं शासन द्वारा निकाली जाने वाली भर्तियों को बहुत बड़ा घोटाला बताया। आज 12 जनवरी को संपूर्ण विश्व में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्र सरकार की युवा विरोधी नीतियों के कारण आज जो पहले से रोजगार थे वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं और जो नौकरियां निकलना थी उनको भी बंद कर दिया गया है। पद के पद समाप्त कर दिए जाते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट निकलता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। ये व्यापम से भी बड़ा स्कैम किया जा रहा है देश की और प्रदेश की सरकार के कारण। ऐसा क्यों होता है कि रिक्वायरमेंट आता है और फिर स्थगित कर दिया जाता है, उसके बाद 10 दिन बाद फिर खोल दिया जाता है। ये व्यापम से बड़ा स्कैम प्रदेश शिवराज सरकार जो प्रदेश में बैठी है, पिछले दरवाजे से आई हुई सरकार है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, ये बिके हुए सरकार है, ये तोड़फोड़ की सरकार है, ये पैसों से खरीदी सरकार है, ये युवा विरोधी सरकार है। उसके विरोध में आज समस्त प्रदेश NSUI ने प्रदेश अध्यक्ष श्री विपिन बांखेड़े जी के आह्वान पर दमोह जिला NSUI के द्वारा आज NSUI के युवाओं द्वारा जूता पॉलिश का कार्यक्रम किया जा रहा है। और क्योंकि नौकरी है नहीं है तो हम लोगों को जूते पॉलिश करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, और अगर ऐसा ही चला तो अब हम लोगों को भीख मांगना, जूता पॉलिश जैसे काम करने पड़ेंगे और अपना भरण पोषण करना पड़ेगा। धन्यवाद। पॉलिश कर रहे हैं, क्या उद्देश्य? भाई साहब, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विपिन वानखेड़े जी के आह्वान पर एवं शुभम तिवारी हमारे जिला अध्यक्ष के आदेश पर हम सभी युवा बेरोजगार यहाँ पर जूता पॉलिश करने के लिए व्यवस्था है, क्योंकि केंद्र एवं प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं के लिए रोजगार की कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जा रही है। एवं युवाओं के रोजगार के विषय में सोचना तो छोड़िए, जो रोजगार के साधन पहले से उपलब्ध हैं उन्हें भी समाप्त करके युवाओं को भीख मांगने एवं जूता पॉलिश जैसे कार्य, पढ़े लिखे युवाओं को जूता पॉलिश करने के लिए विवश किया जा रहा है। हमारा शिवराज सिंह चौहान जी एवं हमारे प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है, युवाओं के रोजगार के विषय में सोचिए एवं ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। धन्यवाद। मॉडर्न हब ब्रांडेड हॉजरी शॉप महिला पुरुष एवं बच्चों के लिए, जहां पर आपको मिलेंगे नाइट सूट, लोअर, टी शर्ट, अंडर गारमेंट्स, टॉवल, गाउन, सभी ब्रांड के उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें कैलाश भंडार के बाजू से सिनेमा रोड दमोह। महिंद्रा गाड़ियों के पार्ट्स व सर्विस के लिए अधिकृत कमल मोटर्स बड़ी देवी मंदिर रोड ओवरब्रिज के पास दमोह, एक बार सेवा का अवसर दें। फोन 3099611109। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत सभी व्याधियों के उत्कृष्ट दवाइयां कम मूल्य पर प्राप्त करें। रोटरी क्लब द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र ATM के पास
सरकारी अस्पताल चौक दमोह।